हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास फोर्थ के लिए है, और आज के इस वीडियो में चैप्टर जो 22 लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था वो थोड़ा शॉर्ट रह गया और उसमें चैप्टर रीडिंग चल रही थी। तो इस वीडियो में जो चैप्टर 22 है द वर्ल्ड इन माई होम, उसकी चैप्टर रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ फोर्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगप सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर, चैप्टर रीडिंग पे चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो उसकी जो सिस्टर है, तो प्रतिभा पे मैंने लास्ट स्टॉप किया था, प्रतिभा, ठीक है। प्रतिभा पे मैंने स्टॉप करने के बाद आप लोगों को बता दूं कि देखिए होता क्या है, प्रतिभा इज हरिंग, वो अपने फ्रेंड के घर जाती है, उसके भाई संदीप और संजय खेलते रहते हैं। तो आगे देखिएगा, दे आर नो हरी टू गो होम, ठीक है। उन्हें घर, उसके भाइयों को घर जाने की जल्दी नहीं है, वो तो खेलने में बहुत बिजी है। प्रतिभा ने सोचा, दैट इज नो फेयर, नॉट फेयर, इधर कोई भी किसी भी तरीके की बात नहीं है। वाई शुड बी देयर ऑन रूल ऑन हर एंड अनोदर बी हर ब्रदर, बट वॉट कैन सी डू, वो क्या करती है, देखिए वो सोचती है कोई नियम बनाया जाए यहाँ पर भी। पिल्लू आंटी, अब देखिए अगला टॉपिक आता है पिल्लू आंटी। पिल्लू आंटी क्या कहती है भैया, देखिएगा कि वन डे पिल्लू आंटी टुक पहली एंड नाजू, एक दिन पिल्लू आंटी पहली और नाजू और उसके दोस्तों को बीच पर ले जाती है, यानी कि समुद्र के किनारे। वॉट ए गुड टाइम दे हैड, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा टाइम होता है स्पेंड करने के लिए। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर, वो खेलते मिट्टी और पानी में। एंड देन वेंट फॉर ए राइड ऑन द जायंट व्हील, ठीक है। और वो देखिए आफ्टर, मतलब वो सवारी भी करते हैं। आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी एंड वॉट बैलून्स, बाद में वो क्या लेते हैं, भेलपुरी लेते हैं और भेलपुरी खाते हैं, बैलून्स लाते हैं। द एवरीबॉडी एंजॉयड सम आइस कोल्ड कुल्फी, बहुत उनमें से कई बच्चे कोल्ड कुल्फी का आनंद लेते हैं, ठीक है, और आइसी कोल्ड कुल्फी खाते हैं। व्हेन द कुल्फी सेलर आस्क्ड फॉर मनी, जब कुल्फी बेचने वाले ने मनी के बारे में पूछा, ही मेड ए मिस्टेक, उसने मिस्टेक कर दी, ही चार्ज फॉर 5 कुल्फी इंस्टीड ऑफ 7, उसने क्या करा, 5 कुल्फी के चक्कर में 7 की गड़बड़ी कर दी। कैसे, द चिल्ड्रन थॉट, बच्चों ने सोचा, अरे वी हैव सेव मनी, हमने पैसे बचा लिए, मतलब हमने 7 ले लिए और उसने 5 के पैसे काटे हैं। बट पिल्लू आंटी पेड द मनी, बट पिल्लू आंटी ने पैसे उसको 7 कुल्फी के ही दिए। कुल्फी बेचने वाले ने तो 5 कुल्फी के पैसे काटे, लेकिन पिल्लू आंटी ईमानदार निकल गई। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट पिल्लू आंटी डिड दैट डे, तो बच्चों ने हमेशा याद रखा कि उस दिन पिल्लू आंटी ने क्या किया था, कि 5 की कुल्फी के पैसे काटे, लेकिन उसने, पिल्लू आंटी ने पूरे 7 कुल्फी के पैसे दिए थे कुल्फी सेलर को, ठीक है। आगे देखिए, वॉट शुड आई डू, अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर, अक्षय अपनी दादी को बहुत प्यार करता है, शी लव्स हिम डियरली, शी टॉक्स टू अबाउट इन इंटरेस्टिंग थिंग्स, वो अपनी दादी से उसके रुचियों के बारे में पूछता रहता है। अनिल इज अक्षय फ्रेंड, अनिल अक्षय का फ्रेंड है, हिज ग्रैंड मदर डिसलाइक अनिल, ठीक है, लेकिन वो हिज ग्रैंड मदर, उसकी जो दादी है वो अनिल को डिसलाइक करती है, पसंद नहीं करती है। बट वन थिंग डेट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन, लेकिन उसने बताया उसकी दादी ने कि अक्षय जो है वो बार बार क्या होता है, ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग इन एन अनिल हाउस, कि बार बार अनिल आपके घर आ जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है कि वो डेली डेली यहाँ आ जाए, ठीक है। अनिल हाउस नॉट इवन ए ग्लास ऑफ वाटर, अनिल के घर में तो एक गिलास भी नहीं है और वो यहाँ जाता खाने पीने के लिए। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर फैमिली, वो हमारे फैमिली से बहुत अलग है, शी सेज, उसकी दादी ने कहा। वन डे, एक दिन, देयर वाज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस, एक बार अनिल के घर के पास में एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, वॉलीबॉल का मैच वहां चल रहा था। इट वाज अ हॉट डे, बहुत गर्मी थी, एवरीबॉडी वाज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच, मैच देखने के बाद सभी लोग बहुत क्या हो गए, सबको गर्मी लगी, ठीक है ना। अनिल इनवाइटेड एवरीबॉडी होम, अनिल ने अपने घर हर व्यक्ति को इनवाइट किया। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम, अनिल की जो माँ ने सबको एक पानी पिलाया, दे ड्रिंक इट, ठीक है, उन्होंने पानी पिया। व्हेन अनिल्स हैंडेड अक्षय ग्लास ऑफ वाटर, अनिल ने अक्षय को भी एक पानी का गिलास दिया, ठीक है। और देखिए क्या होता है आगे, शी ही सडनली रिमेम्बर्ड हिज ग्रैंड मदर वार्निंग, वो अपनी माँ की चेतावनी को हमेशा, उसकी दादी की चेतावनी को हमेशा याद
रखता है। आगे देखिए, अक्षय स्टार्टेड एट एन हिल, ठीक है, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। आपका जो चैप्टर है लगभग कंप्लीट होने के हैं, 5 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आ जाइए, आई डोंट लाइक इट। मीना एंड रितु आर गोइंग होम, मीना और रितु घर जा रही हैं आफ्टर होम, आफ्टर प्लेइंग हॉप स्कॉच, कूदने कादने का एक खेल होता है हॉप स्कॉच, उसको खेलने के बाद रितु और मीना अपने घर जा रही हैं। कम ऑन कम ऑन कम टू माई हाउस, चलते हैं, कम ऑन चलते हैं घर पर, प्लीडेड मीना, मीना ने कहा, पुलिंग रितु बाय द हैंड, मीना ने रितु का हाथ खींचते हुए बोला, इज योर अंकल एट योर होम, आपके घर पर आपके अंकल होंगे, इफ ही इज आई विल नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आऊंगी, रितु ने जवाब दिया। बट वाई डू यू से डेट, आप ऐसा क्यों कह रही है, ठीक है, अंकल लाइक यू, अंकल आपको पसंद करते हैं, ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम, अंकल बोले कि आप अपनी फ्रेंड रितु को अपने घर पर लेकर आइए, आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट, मैं आप सभी को बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। तो देखिए क्या होता है, रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सिंह, रितु ने क्या किया, मीना का पुल्ड हर हैंड, हाथ खींचते हुए कहा, आई एम स्केर्ड ऑफ योर अंकल, मैं आपके अंकल से बहुत डरती हूँ, आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करती हूँ, इट वैन ही इज इवन टच इज माई हैंड, जब वो मेरे हाथ को टच करते हैं, सेइंग दिस रितु वेंट टू होम, रितु घर गई। तो आगे देखिए, ये चैप्टर कंप्लीट होता है और चैप्टर के जो 22 है चैप्टर ये कंप्लीट हो गया और इसकी PDF फाइल आप लोगों के नंबर पर सेंड कर दी जाएगी, यानी कि चैप्टर 22 वर्ल्ड इन माय होम, ठीक है, इसकी PDF फाइल आप लोगों के नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। ओके, तो चैप्टर 22 कंप्लीट होता है राहुल सर की तरफ से चैप्टर रीडिंग, ठीक है, क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। अब मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं और यहां लिख रहा हूं चैप्टर 23। ओके, ध्यान रखना कौन सा चैप्टर लिखने जा रहे हैं राहुल सर, चैप्टर 23, ठीक है, ये लिख दिया मैंने चैप्टर 23, और चैप्टर 23 कौन सा, पोचमपल्ली, लिखेगा पोचमपल्ली, PALLI, ठीक है, पोचमपल्ली, POCHMPALLI, पोचमपल्ली, ठीक है, और पोचमपल्ली एक बहुत अच्छे गेम के नाम से ये बनाया गया चैप्टर है, इसकी वर्ड मीनिंग्स करवा रहे हैं राहुल सर, ठीक है, तो आप लिखिएगा इसकी वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, वर्ड मीनिंग्स हेडिंग डाल दीजिएगा, वर्ड मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स पे आ जाइए आप लोग, ठीक है, तो चैप्टर जो 23 है, चैप्टर 22 कंप्लीट हो गया, इसकी PDF फाइल सेंड कर दी जाएगी आप लोगों के, ठीक है। सबसे पहले लिखे आपने सुना हो यदि बंडल, लिखे फर्स्ट वर्ड मीनिंग बंडल, BUNDLE, बंडल, और बंडल का मतलब होता है, लिखिएगा आप, भरना, ठीक है, गट्ठा बनाना, इसमें लिखे बंडल, और बंडल का मतलब होता है गट्ठा बनाना। ओके, जैसे लकड़ियों का बंडल होता है, पुस्तकों का बंडल होता है, बुक्स का बंडल होता है, तो बंडल का मतलब हो गया गट्ठा बनाना, या गठरी बोल सकते हैं, ठीक है, कॉमा लगाकर लिख दो आप गठरी। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, आपने सुना हो वीवर्स, ठीक है, WEAVER, वीवर, WEAVER, वीवर, WEAVER, वीवर का बोलते हैं जुलाहा बोल सकते हो या बुनकर बोल सकते हो, ठीक है, बुनने वाला, WEAVER, वीवर, ठीक है, वीवर, और वीवर का मतलब होता है बुनने वाला या बुनकर, क्या होता है, बुनने वाला या बुनकर। थर्ड वर्ड मीनिंग पे आ जाओ आप, आपने सुना है ब्राइट, BRIGHT, क्या होती है, BRIGHT, ब्राइट, चमकीला बोल सकते हो, BRIGHT, ब्राइट, और ब्राइट का मतलब क्या होता है, शुभ होता है, साफ होता है, साफ, ठीक है, तेज, कौमा चमकीला,
भड़कीला भी होता है, ठीक है। फोर्थ बर्ड मीनिंग पे आ जाओ, सुना हो आपने फोर्थ, विविंग, WEAVING, विविंग। विविंग का मतलब होता है बुनाई, जैसे कपड़ों की बुनाई होती है, बी विंग, विविंग का मतलब बुनाई, जैसे कपड़ों की बुनाई होती है ना, बुनाई करना, धुनाई नहीं, बुनाई करना। तो विविंग का मतलब क्या हो गया, कपड़ों की बुनाई करना। ओके आगे चलें, आपने सुना हो, ठीक है, थ्रेड, THREAD, थ्रेड, THREAD, थ्रेड, और थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा, ठीक है। अगला आ जाइए सिक्स पर, क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ, क्लॉथ का मतलब क्या होता है, कपड़ा, ठीक है। अगला जाइए सेवन पे, फाइबर, FIVRE, फाइबर, फाइबर का मतलब होता है रेशा, ठीक है। अगला आ जाइए एट पे, फैब्रिक, FEBRIC, फैब्रिक, सुना है, फैब्रिक FE नहीं होता, FA होता है, FABRIC, FA होता है, ये आप कर लीजिए, FABRIC, फैब्रिक, FABRIC, फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, और क्लॉथ का मतलब भी कपड़ा होता है। नाइन पे आ जाइए आप लोग, तो देखिए फैब्रिक का मतलब कपड़ा होता है, फाइबर का मतलब रेशा, क्लॉथ का मतलब कपड़ा, थ्रेड का मतलब, ठीक है, ड्राई, ड्राई का मतलब सुखाना, ठीक है, सूखा बोल सकते हो या सुखाना। टेन पर आ जाइए, रिक्वायर, REQUIRE, रिक्वायर, सुना है आपने, REQUIRE, रिक्वायर का मतलब क्या होता है, जरूरत, लिखे रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब हो गया जरूरत, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और बर्ड मीनिंग्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, EVS को पढ़ते रहें, थैंक यू, बाय बाय, ठीक है। और देखिए बंडल्स, वीवर्स, ब्राइट, बीविंग, थ्रेड, क्लॉथ, फैब्रिक, ठीक है, इनको आप नोट कर लेना, थैंक यू, बाय बाय।